नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से नई वीडियो के प्रेडिक्शन के साथ। तो आज का जो हमारा मैच रहने वाला है स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड के बीच में, जो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मैच होने वाला है, उसको पूरी डिटेल में कवर करेंगे कि आखिरकार आज के मैच में कैप्टन वॉइस कैप्टनसी कौन से प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं, ग्रैंड लीग टीम में हमारी कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्मॉल लीग टीम में हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए और एक मिनी ग्रैंड लीग की टीम हम किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि बैक टू बैक अपडेट आपको इस चैनल से प्रोवाइड होती रहे। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो आज का जो हमारा मैच रहेगा स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड के बीच में आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मैच है, इसमें हम एक ग्रैंड लीग की भी टीम क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्लेयरों को आज के मैच में ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले यहां पर ग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं कि यह मैच कहां पर खेले जाने वाला है। तो क्वीन स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में यह मैच खेले जाने वाला है। डेट की बात करूं 6 जुलाई को टाइम 12:30 बजे। तो सबसे पहले यहां पर पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे और एक यूनिक ग्रैंड लीग भी यहां से क्रिएट करके चलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार पिच किस प्रकार की रहेगी। तो पिच यहां पर आपको बैलेंसड पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर 88 मैच खेले जा चुके हैं और जो पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 38 मुकाबले इस पिच पर विन किए हैं। सेकंड बैटिंग करती है उसने 44 मुकाबले विन किए हैं, 6 मैच यहां पर टाई भी हो चुके हैं। एवरेज स्कोर यहां पर 218 के करीब आपको देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान की टीम ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है और जिम्बाब्वे की टीम ने सबसे लोएस्ट स्कोर किया है। स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं, 200 से नीचे यहां पर 22 बार स्कोर बन चुका है, 200 से 250 के बीच में 27 बार, 250 से 300 के बीच में 18 बार, 300 से ऊपर यहां पर 21 बार स्कोर बन चुका है। बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे, लास्ट के 20 मैचों के बारे में पेसर्स को 154 विकेट, स्पिनर्स को 136 विकेट इस पिच पर मिल चुकी है। तो दोस्तों यहां पर पिच की कंडीशन कुछ इस प्रकार से रहेगी, न तो ये पिच बॉलिंग को भी ठीक ठाक मदद करेगी और यहां पर बैटिंग को भी ठीक ठाक मदद करेगी। तो वो हम जानेंगे कि यहां पर बॉलिंग में कौन से प्लेयरों को ट्राई करना है, स्पिनर्स को ट्राई करना है या पेसर्स को। अगर बैटिंग सेक्शन ट्राई करेंगे तो कितने बैटिंग ऑर्डर यहां पर पिक कर सकते हैं, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहां पर रीसेंट के मैचों के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इस पिच पर कितनी विकेटें स्पिनर्स को मिलती है, कितनी विकेट पेसर्स को मिलती है। तो यहां पर अभी रिसेंट में स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे का मैच हुआ है जिसमें स्कॉटलैंड की टीम ने मैच को विन किया है। 9 विकेट यहां पर पेसर्स निकाल के लेके गए, 7 विकेट यहां पर स्पिनर्स। फिर जिम्बाब्वे और श्रीलंका का मैच हुआ जिसमें 4 विकेटें यहां पर स्पिनर्स निकाल के लेके गए हैं, 7 विकेटें यहां पर पेसर्स। फिर श्रीलंका और नीदरलैंड का मैच है जिसमें 8 विकेटें यहां पर स्पिनर्स और 10 विकेटें पेसर्स। फिर जिम्बाब्वे और ओमान का मैच है जिसमें 2 विकेट यहां पर स्पिनर्स और 14 विकेटें यहां पर पेसर्स निकाल के लेके गए हैं। तो लगभग ये जो पिच है ना पेसर्स को अच्छी खासी हेल्प करेगी, तो आप मान सकते हो 9-10 विकेटें यहां पर पेसर्स निकालते हुए नजर आएंगे। वो भी हम बात करेंगे आगे कि कौन से बॉलर को यहां पर ट्राई कर सकते हैं। अगर स्पिनर्स यहां पर कम से कम आपको 4-5 विकेटें तो आपको स्पिनर्स की देखने को मिल जाएंगी, लेकिन कौन से स्पिनर्स को ट्राई करना है वो भी हम आगे बात करेंगे। कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के बारे में भी बात करेंगे। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलो फटाफट से। अब यहां पर बात करते हैं, जब भी दोनों टीमों के बीच मैच हुआ तो कौन सी टीम ने कितने मैच विन किए हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम एक ग्रैंड लीग की टीम यहां पर क्रिएट करेंगे। तो हेड टू हेड की बात करूं दोनों टीमों के बीच अभी तक 11 मैच खेले जा चुके हैं, तो 7 मैच यहां पर स्कॉटलैंड की टीम ने विन किए हैं और नीदरलैंड की टीम ने ओनली 3 ही मैच विन किए हैं। रीसेंट मैचों के बारे में बात करते हैं तो यहां पर स्कॉटलैंड की टीम बैक टू बैक विन करके आ रही है और नीदरलैंड की टीम भी मैच को अभी विन करके आ रही है रीसेंट में, 1 मैच यहां पर लॉस भी है। तो यहां पर अब हम बात करेंगे जो यहां पर ग्रैंड लीग की टीम है वो किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों ग्रैंड लीग टीम अगर क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले यहां पर विकेट कीपर को अच्छे प्रकार से समझना, क्योंकि अगर आपने विकेट कीपर को समझ लिया, फिर उसके बाद बैटिंग सेक्शन को समझ लिया, फिर ऑलराउंडर को, फिर बॉलिंग सेक्शन को, फिर आपको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी बताऊंगा कि आज के मैच में कौन से प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं, फिर आपकी एक यूनिक ग्रैंड लीग टीम यहां से क्रिएट हो जाती है। क्योंकि ग्रैंड लीग टीम अगर खेल रहे हो तो उसको ग्रैंड लीग की तरह ही खेलो, स्मॉल लीग टीम की तरह मत खेलो, क्योंकि अगर आप यहां पर ग्रैंड लीग टीम में रिस्क लोगे तो ही आपका अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्कॉटलैंड के विकेट कीपर आपको ऊपर देखने को मिलेंगे, नीदरलैंड के विकेट कीपर आपको नीचे। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं मार्ट हेनरी क्रॉस की, बैक टू बैक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, 38 फिर 74 रन।
ठीक है, हेड टू हेड में ओनली 7 की एवरेज स्कोर है, लेकिन वेन्यू पे 35 का एवरेज स्कोर है। तो आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हो, क्योंकि दो मैचों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, एक मैच में 74 रन नाबाद, फिर यहां पर 38 रन की भी पारी खेली है। होम्स की बात करूं, रिसेंट में 13 रन मार के आ रहा है, हेड टू हेड में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वेन्यू पे भी ओनली 11 का एवरेज स्कोर है। नीदरलैंड के यहां पर ऑलराउंडर के बारे यहां पर विकेट कीपर के बारे में बात करते हैं, स्कॉट एडवर्ड्स की रिसेंट में 4 रन मार के आ रहा है, लेकिन ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 मैचों में बैक टू बैक यहां पर 67-67 रन की पारी है, फिर एक मैच में 83 रन की, हेड टू हेड में भी 30 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे 67 का एवरेज स्कोर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, दोनों प्लेयरों को आज के मैच में आप ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग टीम में भी, स्मॉल लीग टीम में भी। अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप मार्ट एंडी क्रॉस को ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग टीम में यहां पर आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब यहां पर बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन के बारे में, कि बैटिंग सेक्शन में कौन से प्लेयरों को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपने विकेट कीपर तो पिक कर लिया, लेकिन अभी बैटिंग ऑर्डर भी आपको ट्राई करना है। एमसी ब्रेड की बात करूं, रिसेंट में 28 रन मार के आ रहा है, हेड टू हेड में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वेन्यू पे एक विकेट निकाल चुका है, प्लस में 37 के एवरेज स्कोर से 113 रन है। रिचार्ड की बात करूं, यहां पर बैक टू बैक फ्लॉप चल रहा है, अभी हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्मेंस है 35 का, लेकिन वेन्यू पे भी 27 का एवरेज स्कोर है। तो वेन्यू पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है, हेड टू हेड में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो आप इसको ग्रैंड लीग टीम में ट्रंप कार्ड के प्लेयर की जगह आप इसको ट्राई कर सकते हो। जॉर्ज मंसी की बात करूं, रिसेंट में 31 रन मार के आ रहा है, हेड टू हेड में 106 का एवरेज स्कोर है, पिच पर 26 का एवरेज स्कोर है। नीदरलैंड के बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करते हैं, विक्रमजीत सिंह की रिसेंट में 110 रन मार के आ रहा है, शतकीय पारी है, हेड टू हेड में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वेन्यू पे एक ही मैच खेला है जिसमें 0 रन मारे हैं। मैक्स ओडाउड की बात करूं, रिसेंट में 35 रन मार के आ रहा है, हेड टू हेड में 45 का एवरेज स्कोर है, लेकिन वेन्यू पे एक मैच में 0 रन है इसके पास भी। वेस्ले की बात करूं, रिसेंट में 97 रन की पारी खेली है और हेड टू हेड में 17 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे 52 का एवरेज स्कोर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है, क्योंकि आप इसके मैचेस देखोगे तो 90, 29, 27, 52 और 97 रन की पारी है। तेजा की बात करूं, रिसेंट में फ्लॉप रहा है, हेड टू हेड में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वेन्यू पे भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो दोस्तों यहां से कौन से बैटिंग ऑर्डर को ट्राई कर सकते हैं, यहां पर विक्रमजीत सिंह को भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हर कोई यूजर इसको ट्राई करके आएगा। मैक्सो डाउड है, वेस्ले को आप ऑलराउंड यहां पर ट्राई कर सकते हो बैटिंग सेक्शन में। यहां पर जॉर्ज मंसी को आप एक ट्रंप कार्ड प्लेयर की जगह आप इसको ट्राई कर सकते हो। एमसी ब्रेड आपके रहने वाले हैं, तो यहां पर ये आपके लिए बैटिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर में, तो दोस्तों ऑलराउंडर में आप सभी ऑलराउंडर के साथ जा सकते हो, ठीक है, किसी को भी आप कैप्टन वॉइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ऑलराउंडर में ही आपको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी ट्राई करना है। यहां पर ब्रेडन की बात करूं, रिसेंट में 34 रन प्लस में 2 विकेट है, फिर यहां पर 69 प्लस में 3 विकेट है, फिर यहां पर 5 रन है, फिर यहां पर 136 रन प्लस में 1 विकेट है। तो आप इसके ऊपर कैप्टनसी लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हेड टू हेड में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वेन्यू पे 7 विकेट निकाल चुका है, 16 के एवरेज स्कोर से 49 रन है। मिचेल लिक्स की बात करूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रिसेंट में 48 रन प्लस में 2 विकेट है, क्योंकि ये आपको बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी दोनों से परफॉर्मेंस करके दे सकता है। हेड टू हेड में 1 विकेट निकाल चुका है, पिच पर 6 विकेट निकाल चुका है, 59 की एवरेज स्कोर है इस पिच पर। ग्रीस की बात करूं, यहां पर रिसेंट में 1 रन प्लस में 1 विकेट है, इसके पास हर मैच में विकेट है, ठीक है, आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हो। हेड टू हेड में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वेन्यू पे 5 विकेट निकाल चुका है, 38 के एवरेज स्कोर से 77 रन है। नीदरलैंड के प्लेयरों के बारे में बात करते हैं, बीडी लीडे के बारे में, रिसेंट में 39 रन है, हेड टू हेड में 0 विकेट है, वेन्यू पे भी 3 विकेट निकाल चुका है, एक मैच में 41 रन भी मारे हुए हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। साकिब की बात करूं, रिसेंट में 33 रन है, उससे पहले वाले मैच में 2 रन प्लस में 2 विकेट है, फिर 3 रन 2 विकेट है, 34 रन है, फिर यहां पर 56 रन 1 विकेट है। तो लगभग हर मैच में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है, क्योंकि हर मैच में विकेटें भी निकाल रहा है। तो आप इन सभी ऑलराउंडर को आज की ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हर ऑलराउंडर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज के मैच में। हेड टू हेड में 1 विकेट है और पिच पर 2 विकेट निकाल चुका है। लॉन्ग वैन बीक की बात करूं, रिसेंट में 6 रन मार के आ रहे हैं, लेकिन लगभग इसको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में भी ट्राई करेंगे। आप इसको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में ट्राई मत करना आज के मैच में, ब्रेडन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कैप्टनसी के लिए। हेड टू हेड की बात करूं, हेड टू हेड में 1 विकेट निकाल चुका है, पिच पर 3 विकेट निकाल चुका है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा बॉलिंग सेक्शन रहेगा वो किस प्रकार से है, क्योंकि यहां पर बॉलर्स भी इंपॉर्टेंट है, बॉलर्स में कौन कौन से बॉलर को ट्राई कर सकते हैं। तो यहां पर मार्क वाट की बात करूं, रिसेंट में 21 रन प्लस में 1 विकेट है, फिर यहां पर 2 विकेट है, 14 रन 3 विकेट है, 25 रन 1 विकेट है, 44 रन 1 विकेट है, 47 रन 1 विकेट है। तो ये आपको बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी दोनों से आपको
परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। हेड टू हेड में 2 विकेट ले चुका है और 15 के एवरेज स्कोर से 15 रन है। वेन्यू पे 6 विकेट निकाल चुका है, 33 के एवरेज स्कोर से 99 रन है। क्रिस सोल की बात करूं, रिसेंट में 3 विकेट निकाल के आ रहा है, हेड टू हेड में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वेन्यू पे 10 विकेट निकाल चुका है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, सफायन की बात करूं, बैक टू बैक विकेट है, हेड टू हेड में 5 विकेट है इसके पास, वेन्यू पे 5 विकेट है। इस बॉलर को कोई भी ट्राई नहीं करेगा आज के मैच में, लेकिन आप इसको जरूर ट्राई करना, क्योंकि यहां पर आप रिकॉर्ड देखो वेन्यू और हेड टू हेड का अच्छा रिकॉर्ड है इसका। नीदरलैंड के बॉलर सेक्शन के बारे में बात करते हैं, रेयान की रिसेंट में बैक टू बैक विकेट निकाल के आ रहा है, हेड टू हेड में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट है। आयन दत्त की बात करूं, रिसेंट में 3 विकेट लेके आ रहा है, हेड टू हेड में 1 विकेट है, वेन्यू पे भी 1 ही विकेट है इसके पास। फ्लोट की बात करूं, बैक टू बैक फ्लोप चल रहा हेड टू हेड और वेन्यू पे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आपके लिए जो स्कॉटलैंड के तीनों बॉलर हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो यहां पर आप रेयान या आयन दत्त, इन दोनों में से एक बॉलर को आप ट्राई कर सकते हो। तो यहां पर हमारी फाइनल यहां पर टीम क्रिएट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कैप्टन वॉइस कैप्टनसी चॉइस की। तो दोस्तों ये आज के मैच के कैप्टन वॉइस कैप्टनसी चॉइस है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आज के मैच में ब्रैडन को आप कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में ट्राई कर सकते हो, मिचेल लिक्स को वॉइस कैप्टनसी में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहां पर आप वॉइस कैप्टनसी में या तो वैसले या बीडी लीडे, दोनों में से आप एक बॉलर को वॉइस कैप्टनसी में ट्राई कर सकते हो। और कोई अपडेट आएगी वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। वैसे आज की जो मेरी फाइनल फैंटेसी टीम रहेगी वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें मैंने कैप्टनसी यहां पर ब्रैडन के साथ रखने वाला हूँ, वॉइस कैप्टनसी बीडी लीडे के साथ यहां पर रखने वाला हूँ, 2 यहां से मैंने ऑलराउंडर और 2 यहां पर ऑलराउंडर, 4 ऑलराउंडर यहां पर रखने वाला हूँ, 2 यहां से बॉलिंग सेक्शन है, 3 यहां से आपको बैटिंग सेक्शन देखने को मिलेंगे, 2 आपको यहां पर विकेट कीपर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर मैं चेंजमेंट भी काफी सारा करूंगा, वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फटाफट से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें अभी तक नहीं किया है तो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें बैक टू बैक अपडेट के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।